हाँ जी, तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं द टॉपिक इज की फैक्टर। व्हाट इज की फैक्टर? अभी की का मतलब क्या होता है? की को वैसे हम बोलते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। द फैक्टर विच इज वेरी क्रूशियल एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज। कोई भी हम गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, या कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसको हम बोलते हैं की फैक्टर। और एक बात आपको याद रही यहां पर, लेकिन जो की फैक्टर के बारे में हमारी बात हो रही है, दैट इज कॉल्ड द लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। अब ये लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है? आपको पता ही है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमारे संसाधन हैं, वो लिमिटेड है इन नेचर, ठीक है। तो हम जिस भी एरिया के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हमारा सेटअप है, कई बार हो सकता है वहां पे हमारा मटेरियल जो है वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हो, क्या पता लेबर जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हो, क्या पता हमारा जो एरिया ऑफ लैंड है वो लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हो, क्या पता हमारी जो मशीन्स है रनिंग आवर्स, क्या हमारे कई बार हमारे रनिंग आवर्स है वो हम लिमिटेड लिमिटेड अवेलेबल हो। तो इन दैट केस उस लिमिटिंग फैक्टर को कंसीडर करते हुए हमें कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा फायदा देगा वो बताना है, और उस प्रपोजल को सिलेक्ट करना है जो हमारे लिए मोस्ट प्रॉफिटेबल है और उस जिसकी लीस्ट कॉस्ट है। मैं आपके सामने दो एग्जांपल लूंगा, ठीक है। और एग्जांपल क्या, देखिए, सपोज मेरा मटेरियल जो है, मटेरियल दैट इज अ लिमिटिंग फैक्टर, ये मेरा की फैक्टर है, ठीक है। लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, मैंने इसको की फैक्टर लिख दिया, ठीक है। अब देखिए मेरे पास दो प्रोडक्ट है, एक है प्रोडक्ट एक्स, ठीक है। इस प्रोडक्ट एक्स के ऊपर जो मटेरियल लगता है, लेट से वो मटेरियल लगता है 20 किलो मटेरियल लगता है बनाने में, एक यूनिट 20 केजी पर यूनिट, और प्रोडक्ट वाई की प्रोडक्शन में लगता है दैट इज 10 केजी पर यूनिट, 10 किलो पर यूनिट लगता है मटेरियल, ठीक है। अब यहां पर देखिए इसका जो सेलिंग प्राइस है, इसका जो सेलिंग प्राइस है वो है 2000 रुपए, और इसका जो सेलिंग प्राइस है वो है 1800 रुपए, ठीक है। इसकी जो कॉस्ट है, इसकी जो वेरिएबल कॉस्ट आती है बनाने में, ठीक है, वो वेरिएबल कॉस्ट आती है लगभग 1200 रुपए, ठीक है। और इसको बनाने में जो वेरिएबल कॉस्ट आती है वो आती है 1000 रुपए, ठीक है। तो अब देखिए इसके अंदर किस में ज्यादा कंट्रीब्यूशन आपको मिल रहा है, अगर मैं इसको ना ऐसा करते हैं 1100 कर देते हैं, ठीक है। इसमें कंट्रीब्यूशन किस में ज्यादा मिल रहा है? यहाँ 900 रुपए कंट्रीब्यूशन मिल रहा है और यहाँ 800 रुपए, ठीक है। 20 किलो माल लगा के आप 900 रुपए कमा रहे हो और 10 किलो माल लगा के आप 800 रुपए कमा रहे हो, तो बताओ कौन सा आपके लिए बेटर है, कौन सा प्रोडक्ट आप बनाना चाहोगे? फटाफट बताइए कौन सा प्रोडक्ट आप बनाना चाहोगे, है ना। प्रोडक्ट वाई इज मोर प्रॉफिटेबल, कैसे? अब आपको समझ आ गया। तो यही देखना होता है, यही हमारा की फैक्टर का जो रोल है, हमें यही देखना है कि अगर कोई प्रोडक्ट हमारा, कोई भी फैक्टर हमारा लिमिटेड है, तो हमें यह देखना है कि जिस फैक्टर पे हम सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन कमाए, ठीक है, पर कॉन्ट्रीब्यूशन जो हमने कमाना है वो हमने जो देखना है दैट इज दैट शुड बी कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर। उस की फैक्टर का एक यूनिट लगा के हम कितना पैसा कमा सकते हैं, कितना कॉन्ट्रीब्यूशन कमा सकते हैं। अगर मैं एक्स की बात करूं, ठीक है, तो यहां पे जो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको मैं की फैक्टर से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 900 रुपए, और की फैक्टर क्या है? मटेरियल। मटेरियल कितना लग रहा है? 20 किलो। तो अगर आप ध्यान से देखें, 900 डिवाइडेड बाय 20, दैट इज 45 रुपीज पर केजी का आप कंट्रीब्यूशन अर्न कर रहे हैं। लेकिन अगर वाई में देखें तो 800 डिवाइडेड बाय 10 केजी, यू आर अर्निंग 80 रुपीज बाय यूजिंग पर केजी ऑफ मटेरियल। तो आपके लिए बेटर कौन सा, प्रॉफिटेबल कौन सा है? दैट इज 80 केजी, अगर मटेरियल आपके लिए लिमिटिंग फैक्टर होता है तो, ठीक है। अब नेक्स्ट, अगर मेरा जो लिमिटिंग फैक्टर है वो है लेबर, मेरा जो लेबर है दैट इज द की फैक्टर। अब प्रोडक्ट एक्स को बनाने में
प्रोडक्ट एक्स को बनाने में जो टाइम लगता है वो लगता है 5 घंटे, लेट से 5 आवर्स, और प्रोडक्ट वाई को कम बनाने में लगते हैं 8 आवर्स, ठीक है। इन दैट केस अब मुझे ये देखना है कि मेरा जो कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर कितना है, पर यूनिट ऑफ की फैक्टर कितना है। तो क्या करूंगा मैं, अगेन कंट्रीब्यूशन को किससे डिवाइड कर दूंगा, की फैक्टर से मैं डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, की फैक्टर से डिवाइड कर दूंगा। और कंट्रीब्यूशन कितना था प्रोडक्ट एक्स का, दैट वाज 900 डिवाइडेड बाय 5, कितना आ जाएगा ये 180 पर आवर। मतलब 1 घंटे का हम 180 रुपए कमा रहे हैं, ठीक है, और वाई से हम कितना कमा रहे हैं, दैट इज 800 डिवाइडेड बाय 8, 100 रुपए 1 घंटे का। तो अब यहां पे कौन सा बेटर है, यहां पे एक्स बेटर है, ठीक है। अगर हमारा लेबर की फैक्टर है, हमारा लिमिटिंग फैक्टर लेबर है, लेबर हमारे पास बहुत कम है, लिमिटेड है, तो हम लेबर का बेस्ट यूज करेंगे, हम सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो देता है वो वाला प्रोडक्ट बनाएंगे पर यूनिट ऑफ की फैक्टर। ओके, कोई डाउट है तो आप पूछ लो। तो अभी हम बात करने वाले कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट के बारे में। व्हाट इज कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट, देखो भाई हमारे पास ना दो सिनारियो होते हैं, ठीक है, सिचुएशन नंबर वन और दूसरी है सिचुएशन नंबर टू। हमारे पास दो मशीन्स हैं सपोज, ठीक है, एक है मशीन एक्स, ठीक है, जिसकी रनिंग कॉस्ट जो है, रनिंग कॉस्ट जो है दैट इज 100 रुपीज पर आवर या पर यूनिट, एक यूनिट को बनाने की इसकी कॉस्ट जो आती है 100 रुपये आती है, लेकिन जो इसकी फिक्स कॉस्ट है या कह सकते हैं इसकी बाइंग कॉस्ट है, दैट इज 10,000, 10,000 रुपये, ठीक है। इसकी रनिंग कॉस्ट 100 रुपये पर यूनिट है और फिक्स कॉस्ट क्या है, 10,000 रुपये। सिचुएशन टू, मेरे पास एक मशीन है मशीन वाई, इसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो है 50 रुपये पर यूनिट, ठीक है, और इसकी फिक्स कॉस्ट जो है दैट इज 20,000, 20,000 भी नहीं, इसकी है 15,000, ठीक है। मतलब आप देखिए दोनों मशीनें काम बराबर कर रही है, ठीक है, सब कुछ बराबर करेंगी, लेकिन दो किसी की रनिंग कॉस्ट ज्यादा है, किसी की फिक्स कॉस्ट ज्यादा है। इसकी रनिंग कॉस्ट ज्यादा है तो फिक्स कॉस्ट कम है, लेकिन इसकी रनिंग कॉस्ट कम है तो फिक्स कॉस्ट ज्यादा है। तो अब हमें ये देखना है कि ये दोनों सिचुएशन, ठीक है, हमारी जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है, जो हमारे प्रोडक्शन लेवल्स हैं, हम जितने भी यूनिट बनाते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन लेवल्स, तो किस लेवल पे ये दोनों सिचुएशन हमारे लिए सेम रिजल्ट देंगे, चाहे आप मशीन वन ले लो या मशीन टू ले लो। इसके साथ साथ आपको ये एक और बात पता होनी चाहिए कि अगर आपको लॉन्ग रन में काम करना है, लॉन्ग रन में काम करना है, तो आपकी जो रनिंग कॉस्ट है, तो रनिंग वो नहीं कॉस्ट है मिला। वो लो होनी चाहिए, और अगर आपको शॉर्ट रन में काम करना है तो आपकी जो फिक्स कॉस्ट है, जो आपकी फिक्स कॉस्ट है वो, उनका भी तो है, आंटी का भी तो, मामी जी का भी तो नंबर है आपके हाँ जी समझ आ रही है आपको ये बात, कि अगर आपको लॉन्ग रन में काम करना है तो आपकी रनिंग कॉस्ट कम होनी चाहिए, और अगर आपको शॉर्ट रन में काम करना है तो आपकी फिक्स कॉस्ट जो है वो कम होनी चाहिए, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि प्रोडक्शन का कौन सा लेवल है, हम कितने यूनिट्स तक तो बिल्कुल सेम कॉस्ट आएगी, आप मशीन एक्स लो या मशीन वाई लो, दोनों में से एक लेनी है हमने, ठीक है, हमने प्रोडक्शन शुरू करनी है। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू कैलकुलेट द इन डिफरेंस पॉइंट, इन डिफरेंस लेवल, ठीक है, इन डिफरेंस लेवल दैट इज चेंज इन फिक्स कॉस्ट, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेविंग इन वेरिएबल और रनिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं हम इसको, पर यूनिट। अगर आप ध्यान दें तो एक्स और वाई को यहां मैं बना देता हूं, इनकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो इसकी है 100 रुपये पर यूनिट,
और इसकी है 50 रुपीज पर यूनिट, और जो फिक्स कॉस्ट है इसकी है 10,000 और इसकी है 15,000। भाई ज्यादा पैसा क्यों दोगे आप, क्योंकि आपकी रनिंग कॉस्ट कम हो रही है। ओके, तो अगर हम कहें डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट क्या है, 5,000 रुपए, ठीक है, और सेविंग इन वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, दैट इज 50 रुपीज, मतलब 5,000 और पे करके आप 50 रुपए पर यूनिट कम कर लो, ठीक है। तो यहां पर अगर आप डिवाइड करोगे तो आपके पास इन डिफरेंस लेवल आ जाएगा, दैट इज 1,000 यूनिट्स, ठीक है। ये इनडिफरेंस लेवल क्या कहता है, ठीक है, ये इनडिफरेंस लेवल कहता है अगर आपकी प्रोडक्शन लेवल 1000 यूनिट्स है तो आप एक्स और वाई की जो कॉस्ट है एक जैसी पाओगे, देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो एक्स की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 100, यूनिट्स कितने हैं 1000, तो टोटल कितनी आ गई, 1,00,000 रुपए कॉस्ट आ गई, और फिक्स कॉस्ट कितनी है, दैट इज 10,000, 10,000, ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, 1,10,000। और अगर हम वाई की बात करते हैं तो इसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 50 रुपीज पर यूनिट 1000, तो ये आ गई 50,000, और इसकी फिक्स कॉस्ट कितनी है, दैट इज, सही कर रहे ना, ठीक है, सॉरी ये 100 यूनिट आएगा, 1000 नहीं, 100 यूनिट आएगा, दैट वाज अ मिस्टेक, 100 यूनिट, तो ये 10,000 आ गया और ये 10,000, टोटल हो गया 20,000, ठीक है। और यहां पर 50 × 100 आएगा, दैट विल बी 5,000, और इसकी फिक्स कॉस्ट कितनी है, 15,000, तो इसकी भी टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, 20,000, मतलब 1,000 यूनिट तक, 100 यूनिट तक, ये दो मशीनों में से आप कोई सी भी ले लो, आपके लिए इनडिफरेंस रहेगा। लेकिन इफ प्रोडक्शन इज, जो आपकी प्रोडक्शन है इज मोर देन 1,000 यूनिट्स, अगर आपकी प्रोडक्शन ज्यादा है तो गो फॉर मशीन वाई, गो फॉर मशीन वाई, क्यों, क्योंकि इसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो लो है, रनिंग कॉस्ट इज लो, ठीक है। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्शन जो है वो लेस देन 1,000 यूनिट्स है, या आप, ठीक है, लेस देन 1,000 यूनिट, तो आपने किसके लिए जाना है, गो फॉर एक्स, आप एक्स के लिए जाएंगे क्योंकि यहां पे आपकी फिक्स कॉस्ट इज लो, ठीक है। अगर कोई आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।